हेलो फ्रेंड, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और ये फेस्टिवल सीजन जब स्टार्ट होते हैं ना तो मन में बहुत ही खुशी होती है। हम तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, नई रेसिपी ट्राई करते हैं, तो आज भी हम नई रेसिपी ट्राई करेंगे। आज हम बनाएंगे पान लड्डू। बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी है और बहुत कम समय में बन के ये तैयार हो जाता है। तो इस फेस्टिवल में आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। वेलकम टू रश्मि फूड स्टफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पर जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पान लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 फ्रेश पान और डंठल को हटा दिया है। अब इस पान को आपको चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कर लेने। चलिए, पान को तो मैंने बारीक कर लिया। अब इसे एक मिक्सर के जार में डालते हैं और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसका आपको पेस्ट बना लेना है, बहुत बारीक वाला। तो यहाँ पे देखिए, इसका इस तरह से मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, बहुत ही बारीक पीसना है आपको। अब इसे साइड में रखते हैं और अगला प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल में लिया है कुछ टूटी फ्रूटी, कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और किशमिश लिया है। और इसे लेने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गुलकंद के। बहुत आसानी से कोई भी किराने के शॉप में आपको मिल जाएगा ये गुलकंद। बहुत टेस्टी लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे गुलकंद ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरह से इन ड्राई फ्रूट्स में मिक्स कर लेंगे। गुलकंद और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको एक साइड में इसे रख लेना है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेना है और कढ़ाई में मैंने कोई भी घी और तेल नहीं यूज़ किया है। डायरेक्टली आपको 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है। कोकोनट का जो पाउडर होता है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो डेसिकेटेड कोकोनट को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का रोस्ट करना है। कलर एकदम चेंज नहीं करिएगा, बस इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाए इतना आपको इसे रोस्ट करना है। यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो पान का हमने पेस्ट बनाया था, कंडेंस मिल्क और पान का, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब धीरे धीरे करके इसे इसमें मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से इसे पहले चला लेते हैं। जब ये दोनों चीज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम 1 कटोरी मलाई वाली दूध, जिसमें कि मलाई हो, जो हमारे घर में अक्सर दूध में मलाई बैठ जाता है वही मलाई मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, वो इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स करिए। और फ्लेम को यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। अब इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे, जो हमने मिक्सर के जार में पान को पीसा था ना उसमें थोड़ा सा दूध डाल के और इसमें मिक्स करके इसमें डाल दीजिए। अब इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है ताकि तीनों चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें आते हैं थोड़ा कलर डालने की बारी। तो अगर आपको पिंक कलर चाहिए तो पिंक फूड कलर यूज़ करिए। मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। और फूड कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये हमारा मिश्रण बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और तैयार भी हो गया। आप देख रहे होंगे कि कढ़ाई मिश्रण छोड़ने लग गया है। तो इस स्टेज पे गैस को यहाँ पे बंद करिए और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और थोड़ा ठंडा होने का वेट करिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए, आपका हाथ जले नहीं, तब आप क्या करिए, इस तरह से गुलकंद के छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। ये जो ड्राई फ्रूट और गुलकंद का हमने मिश्रण बनाया है उसे छोटे छोटे साइज में इस तरह से बॉल बना लेते हैं। और इसका अब जो डेसिकेटेड कोकोनट है इसका भी एक हम बॉल के साइज का इस तरह से लेते हैं और बीच में इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से पेड़े के शेप बना के होल करते जाते हैं। होल इसलिए करना है क्योंकि ये गुलकंद को हमें इसमें फिल करना है। तो इस तरह से गुलकंद को डालते हैं और चारों साइड से इसका मुंह बंद कर दीजिए और अच्छी तरह से इसे रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद 1 कटोरी में हम वापस थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लेते हैं, जो हमने रोस्ट किया था उसी से थोड़ा सा निकाल लिया था, और इसे इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे रोल कर लीजिए। रोल कर लेने के बाद इसे एक प्लेट में रखते हैं और ऊपर से इस पे एक
टूटी फ्रूटी का एक टुकड़ा लगा देते हैं। अगर आपके पास चेरी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ना हो तो आप टूटी फ्रूटी के भी एक इस तरह से टुकड़ा रख के ऊपर सजा सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ऊपर से और अंदर से भी बहुत अच्छा है, यकीन मानिए। इसी तरह और भी हम सारे मिठाइयाँ बना लेंगे और बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये पान लड्डू बनके तैयार है। कितने कम समय में टेस्टी हमारा मिठाई बनके तैयार हो गया है, तो क्यों ना इस दिवाली, करवा चौथ और भैया दूज में इस रेसिपी को ट्राई किया जाए। और अगर आप डेडिकेटेड कोकोनट से रिलेटेड और भी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बहुत सारी रेसिपी है, वहाँ जाके चेक करिए और रेसिपी को ट्राई करिए। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। लेकिन हाँ, जाने के पहले एक बार फिर से कहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।